वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि लेसर टूल क्या होता है और लेसर टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल। ओके, तो क्विक सिलेक्शन टूल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिलेक्शन मींस किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करना, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो क्विक मींस जल्दी से, तो किसी भी चीज़ को जल्दी से कैसे सिलेक्ट करना है, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवास हमने ओपन किया है, हम यहाँ पे कोई एक इमेज हमारी प्लेस कर लेते हैं। फाइल पर जाएंगे, नीचे प्लेस पर जाएंगे। प्लेस पे जाने के बाद जो भी फाइल आपको यहाँ पे प्लेस करनी है वो हम यहाँ पे को प्लेस कर लेंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ पे एक फाइल हमारी प्लेस कर ली है। ओके, तो इमेज हम यहाँ पे लेके आए। अब हम आज की क्लास में सीखने वाला है क्विक सिलेक्शन टूल। तो ये है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, जिसे अगर हम यूज करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट या जिस भी चीज को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लेसो टूल। लेसो टूल की हेल्प से जब हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे थे तो हमें क्या कर रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था उसे सिलेक्ट करने में जी। तो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से जिस भी चीज़ को हमें सिलेक्ट करना है उसे हम जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें बिना टाइम लगाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें अगर इस मैन को यहाँ पे को सिलेक्ट करना है, तो इन्हें कैसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस की हेल्प से पहले जूम कर लेंगे, ये हमने जूम किया, मूव करेंगे। अभी क्या करना है, हमें इन्हें पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर से हम हमारे माउस का जो लेफ्ट बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। अभी हम देखेंगे हमने क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है तो हमारा जो कर्सर है वो भी क्विक सिलेक्शन टूल का ही आ रहा है, ठीक है। और हमारी जो टूल बार है वो भी क्विक सिलेक्शन टूल की ही टूल बार ओपन हो गई है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे यहाँ पे को क्विक सिलेक्शन टूल दिए हुए हैं, मतलब टूल बार में यहाँ पे को दिया हुआ है हमें साइन, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमने सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड वाले पे हम देखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है और थर्ड वाले पे यहाँ पे माइनस का साइन बना हुआ है। तो क्या होता है, प्लस के साइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ पे को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने इन्हें सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये हमने इन्हें सिलेक्ट कर लिया है और ये पेपर हमें सिलेक्ट नहीं करना है और हमने ये पेपर को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, या फिर मान लीजिए हमें यहाँ पे ये वाला हैंड हम सिलेक्ट कर लेंगे बट हमें ये हैंड नहीं चाहिए, ये सिलेक्ट नहीं करना है, तो हमें इसे डी सिलेक्ट करना है। तो डी सिलेक्ट करने के लिए अगर हम कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी, तो ये पूरा का पूरा ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा डी सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये वाला हैंड डी सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वापिस से सिलेक्ट करेंगे, इतना हमने सिलेक्ट किया, अब हैंड डी सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, अभी हम किस में, प्लस वाले साइन पे, जहां पर हमारे क्विक सिलेक्शन टूल में प्लस का साइन है, क्या लिखा हुआ है, एड टू सिलेक्शन, ठीक है। एड टू सिलेक्शन मीन्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें और हमें ऐड करना है, तो इस वाले पे जाएंगे और जो भी चीज सिलेक्ट करनी है उसे ऐड कर लेंगे। जैसे ये लैपटॉप भी यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे माइनस वाले साइन पे अब हमें जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, कम करना, किसी भी चीज को कम करना। तो हम कम करेंगे, क्या कम करना है, ये हैंड और ये लैपटॉप। तो अभी हम पहले करेंगे माइनस वाले को सिलेक्ट। माइनस सिलेक्ट करने के बाद हमें धीरे धीरे जो चीज़ नहीं चाहिए उसे हम डी सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये हैंड यहाँ पे को डी सिलेक्ट कर लेंगे जी, तो यहाँ पे ये हैंड हमारा डी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, ये जो हमने लैपटॉप यहाँ पे सिलेक्ट करा है ये वाले को भी हमें डी सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जिस भी चीज़ को हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते उसको यहाँ पे डी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लैपटॉप भी हमने यहाँ पे को डी सिलेक्ट कर लिया, ये हमने डी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हैंड भी हमें अच्छे से पूरा डी सिलेक्ट करना है, तो ये भी हम यहाँ पे को क्या करेंगे, डी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस, अगर हम माइनस वाले पे जाते हैं तो हम जो भी चीज़ हमने सिलेक्ट करी हुई है इसे डी सिलेक्ट करना है, तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। माइनस से क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो वो हम यहाँ पे को डी सिलेक्ट कर लेंगे। और प्लस पे जाएंगे तो अगर जो चीज़ हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई है तो हम उसे सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे को इनका हाथ जो है वो हैंड थोड़ा यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे को इनके हैंड पे सिलेक्ट करेंगे। ओके,
अगर हमें कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा छोटी है वो हमें यहाँ पे को सिलेक्ट करनी है, इन्हें हमने यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिया, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है या फिर हमें बहुत ज़्यादा बड़ी है इसका साइज़ बढ़ाना है, तो हम इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम वो कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे प्लस पे जाएंगे तो कोई चीज़ ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं, माइनस पे जाएंगे तो कोई चीज़ कम करनी है डी सिलेक्ट करना है किसी भी चीज़ को तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है और 17 लिखा हुआ है, तो इस पे क्या होता है, इस पे हमने एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें साइज़ दिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 17, तो ये इसका साइज़ है सिलेक्शन टूल का। कि अभी देखेंगे इसका साइज़ बढ़ गया है, हमारा जो कर्सर है, हमने जो मैन सिलेक्ट किया उनके पेपर पे हमारा कर्सर रखा है, वो उसका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो हमने साइज कितना ले लिया है, 95, और बढ़ा लेंगे 454 साइज ले लिया है। अब देखेंगे साइज कितना ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर हमें कोई छोटी सी चीज सिलेक्ट करनी है तो क्या करना है, साइज को काफी छोटा रखना है, तो हमने ये साइज को अपने रख लिया 30, तो अब हमारा साइज काफी छोटा हो गया। मान लीजिए अगर हमें ये एरिया सिलेक्ट करना है या ये एरिया डी सिलेक्ट करना है, तो इसको डी सिलेक्ट करने के लिए साइज हमें काफी छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसके साइज को छोटा रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से जो साइज लिखा हुआ है इसे छोटा कर देंगे, और ये इसकी हार्डनेस है, अगर हमें क्या करना है हार्डनेस को कम रखना है तो हम हार्डनेस इसकी कम रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टीट्यूट तक का ये वाला एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया है, अब इसे डी सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे माइनस पे जाएंगे, इस एरो पे जाएंगे, हार्डनेस हमने फुल करी है और साइज हमें थोड़ा बढ़ा लेना है, तो ये हमने साइज इसका 60 कर लिया, तो अब इस एरिया को क्या करते हैं हम डी सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये एरिया हमारा डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये एरिया हमारा डी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमें कोई बड़ा एरिया अगर डी सिलेक्ट करना है या कोई छोटा एरिया डी सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, इस एरिया को पहले हम डी सिलेक्ट कर लेंगे, अभी यहाँ पे ये छोटा एरिया है, इसके लिए अगर हमारा ये साइज जो है ये काफी बड़ा है। ठीक है, ये साइज हमारा काफी बड़ा है, ये एरिया तो हमने कर लिया डी सिलेक्ट, बट यहाँ पर को हम देखेंगे तो ये एरिया काफी छोटा है, तो इसमें हमारा कर्सर जो है वो बहुत ज्यादा एरिया अगर कवर कर लेगा, जैसे मानते हैं ये, तो इसने ब्लैक एरिया भी ले लिया है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, माइनस पे ही जाना है, बट एरो पे जाकर के इसके साइज को काफी छोटा कर देना है। ठीक है, अब प्लस पे जाएंगे, ये हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, माइनस पे गए, साइज हमने काफी छोटा कर लिया है, और छोटा करना है तो थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस करेंगे, मूव किया, जो एरिया नहीं सिलेक्ट करना उस वाले को डीसिलेक्ट करेंगे, तो ये काफ़ी छोटा एरिया है तो इस वाले पे हम आराम से इसके साइज को और छोटा करना है तो और छोटा करके इसे डीसिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने डीसिलेक्ट कर लिया, उस छोटे एरिया को भी डीसिलेक्ट कर लिया, ऐसे ही यहाँ पर को थोड़ा सा अगर और डीसिलेक्ट करना है तो यहाँ पे को भी क्या करेंगे डीसिलेक्ट कर लेंगे, तो ये एरिया भी हमने डीसिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे ही कोई छोटा एरिया डीसिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर को देखेंगे यहाँ पे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये भी हमने डीसिलेक्ट कर लिया, ऐसे ही हमें जो भी छोटे एरिया को डिसलेक्ट करना है या फिर किसी छोटे एरिया को सिलेक्ट करना है तो वो हम यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे को थोड़ा सा और सिलेक्ट करना है ये जी, ऐसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जीरो करते हैं, जितना एरिया सिलेक्ट कर लिया उतना हमें न्यू लेयर पे चाहिए, तो क्या करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी हो गया है, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें इसकी आइस क्लोज करनी है, ये एरिया हमने सिलेक्ट किया था, मूव टूल की हेल्प से मूव करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल के साथ हम इसको, या तो हम पूरे कैनवास का साइज बढ़ा लेंगे, अगर केवल इसका बढ़ाना है तो क्या करेंगे कंट्रोल टी, उसके बाद मर्ज करके इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो ये मैन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है और ये हमने प्रॉपरली देखेंगे यहाँ पे से बिल्कुल करेक्ट इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमें कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो वो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें छोटा एरिया सिलेक्ट करना है या फिर कोई बड़ा एरिया अगर सिलेक्ट करना है तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऐसे ही हमें देखना है क्या, कि हमें अगर कोई एरिया जो है वो डिलीट करना है, मान लीजिए इस वाले पे से हमें इतना एरिया अगर डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हमारा जो सिलेक्शन टूल है इस पर रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमें इतना एरिया डिलीट करना है तो ये हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट हुआ, फिर हमारे कीबोर्ड में से जो डिलीट बटन है वो दबा देंगे तो वो एरिया डिलीट हो गया है, उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो मान लीजिए ये वाला एरिया भी डिलीट करना है, तो इतना हमने सिलेक्ट किया, डिलीट बटन हमारे कीबोर्ड में से प्रेस किया, वो एरिया डिलीट हो गया, फिर कंट्रोल डी करेंगे जो सिलेक्ट है वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही किसी भी एरिया को हमें डिलीट करना है या किसी एरिया को हमें सिलेक्ट करके न्यू लेयर पे लेकर के आना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी एरिया को सिलेक्ट करना है तो क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से किसी भी एरिया को हम जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में से अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, ये रेड ये वाला एरिया, अगर ब्लू वाला एरिया अगर हमें सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस साइज इसका बढ़ाएंगे, इस एरिया को करना है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ ISO सर्टिफाइड वेब डिफाइन इंस्टीट्यूट, अगर केवल बीच का साइज, बीच में जो हमारा राउंड शेप है ये सिलेक्ट करना है या फिर इस वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, केवल जो ये ब्लू बुक है इसे सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। अगर यही चीज़ हम लेसो टूल की हेल्प से करेंगे तो हमें यहाँ पे को पॉइंट 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 करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, अब अगर हम इसकी हेल्प से करेंगे तो ऐसे करके हमें छोटे 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 डॉट डॉट करके पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा जी। तो हमें क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से करना है तो क्या करेंगे, साइज काफी जैसे बड़ा है तो साइज भी छोटा कर सकते हैं, केवल बुक सिलेक्ट करनी है तो साइज को और छोटा कर लेंगे, 7 हमने साइज रख लिया है, अब साइज काफी छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हमने बुक यहाँ पे को सिलेक्ट कर लिया, ये हमने यहाँ पे ब्लू बुक सिलेक्ट कर लिए। अभी क्या करना है, इसी में से व्हाइट एरिया को हमें हटाना है, जितना भी व्हाइट एरिया है वो हटाना है, तो क्या करेंगे, माइनस पे क्लिक करेंगे, माइनस पे क्लिक करने के बाद साइज को और छोटा करना है तो साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, 5, 4 हमने साइज रख लिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे से धीरे धीरे व्हाइट एरिया पे लेके आना है, ये हम व्हाइट एरिया पे लेकर आए, यहाँ पर से ये वाले साइज को भी कम करना है, ये व्हाइट भी हमने हटा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर से भी जो व्हाइट है ये वाला व्हाइट भी हमें नहीं चाहिए, तो ये व्हाइट को भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अगर कोई ब्लू एरिया ऐसे में हट जाता है तो वापस से उसे प्लस पे जाना है और सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने जितना भी हमारा बुक का ब्लू एरिया है वो एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो वो हमारे न्यू लेयर पे आ गया, तो ये एरिया हमारी न्यू लेयर पे आ गया। अभी हमने पूरी इमेज जो थी, कंट्रोल जीरो करेंगे, पूरी जो हमारी इमेज है इस इमेज को, पूरी इमेज की हमने आइज क्लोज करी, जो एरिया हमने कॉपी किया है उतना एरिया हमारा यहीं पर है। ठीक है, कंट्रोल उसी लेयर पे जाके कंट्रोल टी करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, मर्ज करके साइज को करेंगे बड़ा, सेंटर पे लेके आए, प्लेस करेंगे, तो ये हमारा जो हमने हमारी बुक है जो सिलेक्ट करी थी, तो क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने इसे कुछ ही सेकंडों में क्या किया, कुछ सेकंड में हमने इसे सिलेक्ट करके एक न्यू लेयर पे लेकर के आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से कोई भी चीज़ अगर हमें सिलेक्ट करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है, तो हम जल्दी से सिलेक्ट करके न्यू लेयर पे लेके आ सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई इमेज क्रिएट करनी है, बहुत सारी इमेजेस हैं, उनमें से थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट्स लेके या थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर के हमने कुछ एक नई इमेज क्रिएट करनी है, तो वो भी हम अलग अलग इमेज से लेकर के यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर इसी में अगर हमें क्या करना है, कोई और चीज़ अगर हमें लेनी है तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी चीज़ चाहे लेनी हो यहाँ पे को, जैसे कंट्रोल प्लस हम करते हैं, यहाँ पर से हमें क्या करना है, जो भी चीज़ को सिलेक्ट करना है क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल से सिर्फ उसे एक बार सिलेक्ट करना है। जैसे हम क्विक सिलेक्शन टूल पे गए, केवल हमें क्या चाहिए, ये राउंड शेप, ये जो पूरा केटल है केवल यही चाहिए, तो इस केटल को हम सिलेक्ट कर लेंगे धीरे धीरे करके। अगर कोई बड़ी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसके साइज़ को हम बढ़ा लेंगे, कोई छोटी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसके साइज़ को क्या करना है, कम कर लेना है। तो अभी जी यहाँ पे माइनस पे है, प्लस पे रखना है और उस लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही क्लिक में हमारा ही सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी करते हैं, वापस से क्लिक करेंगे, सिर्फ एक क्लिक करना है और थोड़ा सा हाथ मूव करना है अपना, और जो भी हमारा केटल है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर डी सिलेक्ट करनी है तो इसमें से डी सिलेक्ट कर सकते हैं, माइनस पे जाएंगे, जो भी चीज़ डी सिलेक्ट करनी है वो हम डी सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमने डी सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही हम कुछ ही सेकंड में अगर कोई बड़ी चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, साइज उसका बढ़ा देंगे, कोई छोटी चीज सिलेक्ट करनी है तो उसके साइज को कम कर देंगे, कंट्रोल सी वी किया। ठीक है, यहाँ पे इसकी आइस क्लोज करी, तो ये हमारा केटल यहाँ पे को रेडी है, ये हमारे सिलेक्ट होके यहाँ पे को आ गया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे को हम देखेंगे एक लाइन भी यहाँ पे को आ गई है, ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना है, सिलेक्शन टूल पे जाना है, यहाँ पे को एक बॉक्स हमने क्रिएट करा इतना, और उसके बाद क्या करना है, क्रिएट हुआ डिलीट बटन, हमारे कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस किया,
वो डिलीट हो गया। कंट्रोल डी करेंगे तो लेयर भी डीसिलेक्ट हो गई, तो जो लाइन हमारी यहाँ पे आ रही थी वो भी यहाँ पे वो क्या हुई है, डीसिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना है वो हम यहाँ पे को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करना है वो हम यहाँ पे को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं किसी बहुत सारी इमेज में से ऑब्जेक्ट लेके न्यू इमेज क्रिएट करनी है तो वो भी यहाँ पे को हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।